एक्सपायरी के दिन बाजार में जोरदार शॉर्ट कवरिंग, सेंसेक्स 30 और बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर, निफ्टी 9500 के पार, सेंसेक्स 448, निफ्टी 149 अंक चढ़कर बंद, कैपिटल गुड्स, बैंक, आईटी, रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। हाइब्रिड कारों, स्कूल बैग्स जैसे सामानों पर जीएसटी रेट कम करने की अपील, नीति आयोग ने वित्त मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, वित्त मंत्रालय अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखेगा प्रस्ताव। राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में खाना लेना नहीं होगा जरूरी, रेलवे में ई केटरिंग होगा विकल्प, दोनों के किराए में भी आएगी कमी। जीएसटी में अचल संपत्तियों से हटे स्टैंप ड्यूटी, रियल एस्टेट बॉडी क्रेडाई की सरकार से मांग, जीएसटी के बावजूद रियल एस्टेट में है मल्टीपल टैक्सेशन। कोयला घोटाले में 5 नए आरोपियों की जमानत पर सुनवाई के दौरान सीबीआई को अदालत की फटकार, कहा अगर आरोपियों ने धमकी दी थी तो केस में धमकी वाली धारा क्यों नहीं लगाई। टेस्ला के लिए 30% लोकल सोर्सिंग के नियम नहीं, जी बिजनेस एडिटर मिहिर भट्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, कहा एलन मस्क ने क्यों इसे मुद्दा बनाया पता नहीं। जीएसटी से पहले ही मर्सिडीज ने घटाए अपनी कारों के दाम, मेड इन इंडिया 9 मॉडल्स पर औसतन 4% की कटौती। टूजी कोयला हर्षद मेहता जैसे घोटालों ने देश को लगाई करोड़ों की चपत, लॉ कमीशन की सरकार से सिफारिश, आर्थिक अपराधों में जमानत की शर्तों पर हो सकती, कहा आर्थिक अपराधों से लोगों का सिस्टम से उठता है भरोसा। बाल बाल बचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, लातूर में हेलीकॉप्टर की हुई क्रैश लैंडिंग, मुख्यमंत्री फडणवीस को आई हल्की चोटें, हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित। और केरल में प्री मॉनसून बौछारे, स्काईमेट का अनुमान, जून से देश भर में पहुंचेगा मॉनसून, इस साल सामान्य बारिश की उम्मीद।